नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोलॉजिकल गुरुजी में। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को टक से लाइक कर दे, और लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, तो प्लीज़ लाइक कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। किसी के आने या जाने से, किसी के बदल जाने से, और किसी के जवाब देने या ना देने से, जब आपको फर्क पड़ना बंद हो जाएगा, तो समझ लेना कि आपने सारी दुनिया जीत ली है। आजकल हम किसी के जिंदगी में तब तक खास रहते हैं जब तक उन्हें कोई और नहीं मिल जाता है। बहुत दिल दुखता है जब कोई हमें बाय बोलकर बहुत देर तक ऑनलाइन रहता है। पता नहीं क्यों हो जाती है उस शख्स से मोहब्बत, जिसे हमारी मोहब्बत की कदर ही नहीं होती। जज्बातों में बहने का जमाना चला गया है। अब तो जो सौदा करने में माहिर है वही खुश रह सकता है, वरना तो लोग आपको ठग लेते हैं। एक बात बोलूं, कभी किसी को चुभती हुई बात मत कहना जिससे उसे तकलीफ हो, क्योंकि करने को तो वह माफ कर देगा, लेकिन याद रखना कि फिर उस इंसान के साथ आपका रिश्ता पहले जैसा कभी नहीं हो पाएगा। सूरज और चांद से मैंने एक बात सीखी है, जब भी कोई बीच में आता है ना, तो ग्रहण लग ही जाता है। कई बार कुछ रिश्तों का टूटना इसीलिए भी जरूरी हो जाता है, ताकि हमें पता चल सके कि हमने कौन कौन सी गलत फैमिलियां पाल रखी थी। बार बार आंसुओं को साफ करने की बजाय उस इंसान को ही अपने जिंदगी से साफ कर दो जो आपके आंसुओं की वजह है। जब दिल और भरोसा टूट जाता है, भले ही आवाज ना हो लेकिन दर्द बहुत ज्यादा होता है। जिंदगी में इंसान दो लोगों से हमेशा हार जाता है, एक तो वो जो अपने होते हैं और दूसरे वो जो बहुत ज्यादा अपने होते हैं। जिंदगी में किसी की चीज की असली कीमत इंसान को केवल दो बार ही समझ आती है, एक उसे पाने से पहले और दूसरा उसे खो देने के बाद। क्या आपको पता है कुछ लोग आपकी कदर क्यों नहीं करते? क्योंकि आप उन्हें यकीन दिला देते हैं कि उनके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते। जब अकेले थे तो बहुत खुश रहते थे, तन्हाई तो तब महसूस हुई जब दुनिया की भीड़ में आ गए। आसानी से टूट जाऊं वो मैं इंसान नहीं, और सबको पसंद आ जाऊं वह भगवान नहीं। रिश्ता चाहे हो या ना हो, लेकिन अगर समय अच्छा हो तो रिश्तेदार बहुत मिलते हैं। कोई खुशियों की चाह में रोया तो कोई दुखों की पनाह में रोया। अजीब सिलसिला है जिंदगी का, कोई भरोसे के लिए रोया और कोई भरोसा करके रोया। एक बार भरोसा खत्म हो जाए तो फिर कुछ बाकी नहीं रहता। भरोसा वो का जज है जिसकी कोई कार्बन कॉपी नहीं होती। इश्क उसी से करो जिसमें खामियां बेशुमार हो। ये खूबियों से भरी चेहरे इतराते बहुत हैं, अब उनसे बात तक नहीं होती हमारी, जिन्हें अपनी हर बात बता चुके हैं हम। हो सके तो अकेला रहना सीख लो, क्योंकि आप जिस पर सबसे ज्यादा डिपेंड रहोगे वही इंसान आपको सबसे ज्यादा दर्द देगा। कमाल है, लोग मुझे तब याद करते हैं जब उनके अपने सारे बिजी होते हैं। मुंह से माफ करने में किसी को वक्त नहीं लगता, लेकिन दिल से माफ करने में सारी जिंदगी गुजर जाती है। याद ऐसी हो जिसकी कोई हद ना हो, और भरोसा ऐसा हो जिसमें कोई शक ना हो। इंतजार ऐसा हो कि कोई वक्त ना हो, और प्यार ऐसा हो जिसमें कोई नफरत ना हो। किसी ने मुझसे पूछा कि वादों में और यादों में क्या अंतर होता है। मैंने जवाब दिया, वादे इंसान तोड़ता है और यादें इंसान को ही तोड़ देती है। चलो अब फिर से मुस्कुराने की वजह ढूंढते हैं। ऐ जिंदगी, तुम मुझे ढूंढो, हम तुम्हें ढूंढते हैं। हम भी मुस्कुराते थे कभी,
बेपरवाह अंदाज से देखा है आज खुद को कुछ पुराने तस्वीरों में। बचपन में जहां चाहा हंस लेते थे, जहां चाहा रो लेते थे, लेकिन अब मुस्कान को तमीज चाहिए और आंसुओं को तहनाई चाहिए। इस जिंदगी के दौर में तजुर्बा कच्चा ही रह गया, हम फरेब ना सीख पाए और यह दिल बच्चा ही रह गया। जब कोई इंसान दिल से ही उतर जाता है तो फर्क ही नहीं पड़ता कि वह कहाँ जाता है, किसकी साथ जाता है और क्या करता है। जब छोड़ कर गया मुझको वह मेरा सबसे करीबी इंसान, तब समझ आया कि यह मतलबी दुनिया के लोग किसी के भी सगे नहीं होते। आप जितना ज़्यादा अच्छा बनोगे, लोग आपका उतना ही ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और यही आज के जमाने का सच है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।